हेलो गाइस, वेलकम टू डगिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली हमारे पास आ चुका है Xiaomi का Mi A3। ये रिटेल यूनिट है, इसे मैंने परचेस करा था Amazon से 13,000 रुपए में। तो आज की स्टूडियो में करेंगे यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग और मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लेकर टारगेट बढ़ा के रखते हम 2,000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा Mi A3 का रिटेल बॉक्स, इसे मैंने परचेस करो amazon.com से। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियाज नंबर वन ब्रांड है, 464 वाला वेरिएंट है, Xiaomi की ब्रांडिंग दी गई है। Mi A3 का पूरा डिज़ाइन है और यही कलर में हमने बुक करे। और 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है, एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग दी गई है और यहाँ पर भी सेम है। बैक साइड में कुछ की हाईलाइटिंग फीचर यहाँ पर मेंशन करे गए। मोर देन वाइट कलर में मैंने यहाँ पर बुक करो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ने ये कलर की अनबॉक्सिंग करने को बोले थे। 464 वाला वेरिएंट है, मेड इन इंडिया, अच्छी बात है। और सार वैल्यूज वगैरह भी अगर आपको देखना है तो आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए जल्दी से सील को ओपन कर लेते हो, देख लेते हैं हमारे Mi A3 के जो रिटेल बॉक्स है क्या कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा और मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन जो है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर इसे ऐसे साइड में रख देते हैं, बहुत ही मस्त लगता है यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमारा सीधा बॉक्स आ जाता है। बॉक्स आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, देखते इसमें आई बिलीव केस वगैरह होगा। ओके, यहाँ से भी खुल जाता है। सो यहाँ पर आपको एक केस देखने को मिल जाता है और बुकलेट वगैरह आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, जो कि अभी हम निकाल लेते हैं और ये यूज़ में अभी आएगी फिलहाल अभी थोड़ी देर में। साथ में यहाँ पर आपको केस देखने को मिल जाता है। केस की क्वालिटी देख लेते हैं, क्योंकि जनरली MI के केस इतने अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा बेटर लग रहा है। डेफिनेटली रियलमी जितना तो इतना अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा फ्लिमजी टाइप का है, लेकिन स्टिल थोड़ी बहुत आप देख सकते हो अलग सा यहाँ पर है। थोड़ा पहले के कंपैरिजन में नोट 7 प्रो से तो एटलीस्ट बेटर है। तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पर देन वाइट कलर जो है आपका, इसे मैं साइड में रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। और अंदर के कंटेंट की अगर चीज़ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमें चार्जर देखने को मिल जाता है। और रेटिंग अगर आप देखोगे तो आपको अगेन 5V 2A का देखने को मिलता है और मेड इन इंडिया का चार्जर है। 18W का दे सकते थे यार, पता नहीं क्यों नहीं थे। तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर आपको लास्टली केबल देखने को मिल जाता है, जो कि आपको टाइप सी पोर्ट के साथ में देखने को मिलता है। तो चलिए सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं, आ जाते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ। तो यहाँ पर है हमारा Mi A3 का डिवाइस। और गाइस देखते साथ आप यहाँ पर कलर देख सकते हो, क्या शिफ्ट हो रहा है यार, मतलब दिल आ गया देखते साथ ही। और ऊपर थोड़ी प्लास्टिक लगी आई थिंक, यस प्लास्टिक। ओ हो गाइस बिलीव मी आई कैन से पहले लुक में यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ये प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस है। और ये गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ में देखने को मिल रहा है, कोई प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त। या आप बोल सकते हो छोटा नोट 10 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत अट्रैक्टिव है। और फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो कुछ की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर मेंशन करे गए। चलिए ये प्लास्टिक को भी उतार देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो वेट है अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है और ज़्यादा बड़ा डिवाइस नहीं है, कॉम्पैक्ट डिवाइस की तरफ ही आपको देखने को मिलता है। चलिए जल्दी फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। HD+ रेजोल्यूशन है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। बैक साइड में आपको बैक में ट्रिपल रेयर कैमरा देखने को मिलता है और गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में आपको एक्चुअल ग्लास देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी रेमबोइश टाइप का कलर देखने को मिल रहा है। दिल आ गया बिलीव मी, अगर आप हाथ में लेके देखोगे तो आपको पता लगेगा। राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी टेक्टाइल है और ये भी फ्लिमजी टाइप का नहीं, अच्छा खासा यहाँ पर आपको फीडबैक दे देगा। और आपको पूरा यहाँ पर सिल्वर ट्रिम देखने को मिलती है। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका सिम इजेक्टर देख सकते हो, ट्रे देखने को मिलती है। और ट्रे में आपको कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता ही होगा, फिर भी मैं आपको खोल के बता देता हूँ। तो क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो अगेन आपको हाइब्रिड स्लॉट एटलीस्ट देखने को मिल जाता है, क्योंकि Mi A2 में तो यार SD कार्ड का स्लॉट ही यहाँ पर हमें नहीं दिया गया था। साथ में अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन है और आयर ब्लास्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बॉटम में अगर आप देखोगे तो टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर है और मेन माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस अभी जल्दी से मैं डिवाइस को बूट अप कर देता हूँ। बूट अप करते करते आपको एक स्पेसिफिकेशन ओवरव्यू जल्दी से दे देता हूँ। यहाँ पर हमारा Mi A3 है, यहाँ पर आपको 6 इंच का एक HD+ रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने को मिलता है। स्नैपड्रैगन का 665 देखने को मिलता है। एंड्रॉयड 1 पर यहाँ पर ये रन करता है। साथ में आपको बैक में ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है। यहाँ पर सोनी का MX586 का सेंसर इस्तेमाल करा गया है।
डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी है, 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, एज वेल एज 4030 एमएच की बैटरी है, 4GB 6GB अलग अलग वेरियंट्स में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज ये तो डिवाइस बूट अप हो गया, अब मैं जल्दी से यहाँ पर अपना जो सारी डिटेल्स वगैरह डिवाइस में डालता हूँ, थोड़ा बहुत अपना यूज करता हूँ, उसके बाद में अपने यहाँ पर फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। तो गाइज अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर ये डिवाइस को इस्तेमाल करो, अपनी सारी चीजें डालो और थोड़ा प्ले करके देखा, म्यूजिक वीडियोस, फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यार एंड्रॉइड वर्जन और सारी चीजें के बारे में आपको बता देता हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कितनी स्टोरेज देखने को मिलती है। मैंने एक भी चीज यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एप्लीकेशन नहीं डाला हूँ, तो यहाँ पर स्टोरेज में अगर आप जाओगे तो लगभग आपको 49GB के आसपास आउट ऑफ द बॉक्स 49.11GB के आसपास आपको फ्री देखने को मिलेगी, जो कि काफी बढ़िया बात है। एज वेल एज यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन अबाउट फोन में अगर आप जाओगे तो आप देख सकते हो पाई पे यहाँ पर ये रन कर रहा है। तो चलिए अब जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक कैसे काम करते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये फिंगरप्रिंट स्कैनर का लोगो है, मैं टैप कर देता हूँ, देख सकते हो आप, सो डेफिनेटली मैं बोलूँगा इतना फास्ट नहीं है, हल्का सी हाफ अ सेकेंड का यहाँ पर ये डिले हो जाता है। आई होप कि एमआई वाले यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट से ठीक कर देंगे। बाकी फेस अनलॉक भी यहाँ पर मैंने डालो, अब देखते हैं कैसा काम करता, आप देख सकते हो फेस अनलॉक की स्पीड मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर से स्लाइटली फास्टर लगी है, और काफ़ी फास्ट और काफ़ी एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहा है। तो फेस अनलॉक यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर जो है आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर में थोड़ी वर्क करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मैं जल्दी से आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या ब्लोटवेयर मिलता है, एड्स वगैरह मिलता है। तो क्योंकि ये एंड्रॉइड 1 पे यहाँ पर रन कर रहा है, तो यहाँ पर आपको कोई ब्लोटवेयर या एप्लीकेशन वगैरह देखने को, मतलब जो ब्लोटवेयर वाले एप्लीकेशन है वो देखने को नहीं मिलते, सिर्फ आपको गूगल का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है। और काफ़ी बैटरी मैं कुछ टाइम से यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, काफी आराम से चल जाता है, कोई भी यहां पर आपको लैग वगैरह या मतलब हिकअप्स वगैरह देखने को नहीं मिला, बहुत ही बैटरी स्मूथ यहां पर ये परफॉर्म कर रहा है। चलिए मैं जल्दी से एक 720p डिस्प्ले देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग यही चीज को लेके कंसर्न थे, तो चलिए एक वीडियो प्ले करके मैं आपको बता देता हूं कलर वगैरह कैसे दिखते हैं और कैसा कुछ यहां पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मी A3 के डिस्प्ले को लेके। तो वीडियो को हम यहां पर प्ले कर लेते हैं, और यहां पर साउंड ऑफ, ओके, और यहाँ पर आपको मैं क्वालिटी बता देता हूँ कैसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और आपको बता दूँ YouTube यहाँ पर आप 720p डिस्प्ले, तो 720p मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पर वीडियो देख सकते हो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले की क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिलेगी मी A3 में। नो डाउट डाउट गाइज यहाँ पर जो कलर कॉन्ट्रास्ट है, जो ब्लैक्स है, वो काफ़ी डीप है और काफ़ी अच्छा व्यूइंग एंगल देखने को मिल रहा है, और जो विजिबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल रही है। तो डिस्प्ले कलर वगैरह के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, बाकी जो पिक्सलेशन है उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ज़रूर से। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स डिस्प्ले मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे कि आपने देखा गाइस डिस्प्ले से तो नो डाउट मुझे कोई शिकायत नहीं है एमुलेट को लेके, बाकी रेजोल्यूशन की आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। साथ में एक अपनी वीडियो चला लेते और देख लेते यहाँ पर कैसा यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, या ठीक है चलिए हम NCS का यहाँ पर लगा लेते तो आपको एक अच्छा यहाँ पर म्यूजिक का आइडिया आ जाएगा। ओके का साउंड क्वालिटी डेफिनेटली मैं टोटली इम्प्रेस हो चुका हूँ, काफ़ी लाउड है, और जो क्वालिटी भी है डेफिनेटली Redmi Note 7 Pro से तो मुझे यहाँ पर इसकी बेटर लगी है। अब जल्दी से यहाँ पर मैं इसके कैमरे के UI में जाके आपको बता देता हूँ कैसा आपको इंटरफेस मिलेगा। तो कैमरा UI यार आपको यहाँ पर Xiaomi का ही देखने को मिलता है, आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और अगर आप देखोगे आपको बहुत सारी यहाँ पर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, शॉर्ट वीडियो है, पोर्ट्रेट है, नाइट मोड है, पैनोरामा है, प्रो मोड है, सारी चीज़ें आपको मिलती है। और वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पर स्लो मोशन का आपको फीचर मिल जाता है, टाइम लैप्स है, एज वेल एज आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी आपको 4K 30fps तक के देखने को मिलती है, EIS वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का है और क्वालिटी अनबिलीवेबल है। चलिए मैं यहाँ पर एक क्लिक करके देख लेते हैं, आपको बता देता हूँ
सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यार, मतलब डिटेलिंग आप देखो यार, एक एक चीज, एक एक डॉट जो मेरे फेस पे वो आपको देखने को मिल रहा है। तो 32 मेगापिक्सल का यार जो सेल्फी कैमरा है, टोटली मैं यहाँ पर इससे इंप्रेस हो चुका हूँ। चलिए अब यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर सैंपल यहाँ पर क्लिक करा, वो लाइन्स आपको बता देता हूँ, जिसके आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिला इसके रियर कैमरे से। जो डायनामिक रेंज है इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से मुझे ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। सेल्फी कैमरा अगेन आप देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये सेल्फी कैमरा से यहाँ पर इमेजेस ले लेता है। सो गाइस ये था यहाँ पर मेरा अनबॉक्सिंग और इनिशियल इंप्रेशन मी ए 3 को लेके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहेगी। बाकी ये यहाँ पर मी ए 3 के रिगार्डिंग आपको कौन कौन सी वीडियोस देखना है, क्या कुछ कंपैरिजन देखना है और इसके अकॉर्डिंगली टिप्स एंड ट्रिक्स, कैमरा रिव्यू, जो जो चीज़ें देखना है मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।